सुगंधा, वेलकम टू जी कनेक्ट। थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप यहाँ पे हैं दुबई में। गर्मी में है लेकिन कैसा लग रहा है आके? दुबई में गर्मी है, वो बाहर है, हम हमेशा अंदर ही होते हैं जब से आए हैं। और मुझे ऐसे लगता है बेइज्जती और गर्मी जितनी महसूस करो उतनी लगती है। फील नहीं करना चाहिए। वाओ, दैट्स गुड। अच्छा, पहले तो आप पे आती हूँ मैं। सुगंधा, आप जलंधर से आए एंड देन यू मेड अ मार्क फॉर योरसेल्फ इन मुंबई ऑन द सिल्वर स्क्रीन। थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में। मेरी जर्नी पे तो एक्चुअली मूवी बननी चाहिए। सो उसके थोड़े से ग्लिम्सेज अगर आपने पटियाला हाउस देखी हो तो उसमें वैसा थोड़ा दिखाया। तो मेरी लाइफ की जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोलर कोस्टर थी, क्योंकि फैमिली जो थी थोड़ी सी कॉन्जर्वेटिव थी और मुंबई मतलब ऐसे कि लड़की गई तो बिगड़ जाएगी। और कितनी बार मेरे मन में आता मैं भाग जाऊँ बट नहीं, वो भी नहीं कर पाती थी। सो मैंने बेसिकली जैसे फाइन आर्ट्स कॉलेज में मैंने पढ़ाई करी और यूथ फेस्टिवल्स एंड कॉम्पिटिशन्स एंड लकीली कि मेरी जो फैमिली है सब म्यूजिशियंस की है। सो वो म्यूज़िक की ट्रेनिंग तो मेरे DNA में म्यूज़िक है। सो वहाँ से स्टार्ट किया, फिर देन रेडियो, मैंने रेडियो से आई वॉज रेडियो जॉकी। सो रेडियो के बाद लकीली आई गॉट अ चांस लाफ्टर शो के लिए मुंबई में। फिर मतलब है एक्चुअली बहुत डिटेल्ड एंड इंटरेस्टिंग, बट अगर मैं सम अप करूँ तो पूरी रोलर कोस्टर जर्नी थी मेरी। और फाइनली मतलब इट वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि मैं मुंबई कभी जा सकूँ, बट तो मैंने फाइनली परमानेंटली मुंबई रहने के लिए मुंबई के लड़के से शादी करी। और वो जो निकले डॉक्टर कम कॉमेडियन कम एक्टर। यस संकेत, आप पे आते हैं। डॉक्टर कम कॉमेडियन कम एक्टर, मतलब सब कुछ कम है, वो कमी इन्होंने पूरी की। तो मैं असली डॉक्टर हूँ। हाँ। दवा देने वाला। बहुत लोग पूछते हैं कि आप PhD डॉक्टर हो गए, मतलब नहीं, मैं असली डॉक्टर हूँ, दवा देने वाला। एंड आई बिलीव कि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, तो मैं ये मेडिसिन सबको देता रहता हूँ, जैसे कि सारे शोज में सब जगह। मुझे आपसे पूछना है संकेत, मुझे डॉक्टर संकेत बोलने में बड़ा अजीब लग रहा है आपको, मुझे बताओ कि आपको क्या, मुझे खुद को अब अजीब फील हो रहा है। स्टैंड अप कॉमेडी के सीन में आज ऐसा कुछ है जो आपको अभी भी मिसिंग लगता है? मिसिंग ऐसा मतलब क्या गैप है मार्केट में, अभी भी आपको लगता है यार ये अभी बात यहाँ पे कुछ और आना चाहिए आजकल? हाँ, एक प्रॉब्लम आती है स्टैंड अप कॉमेडी में आजकल ना, लोग बहुत टची हो गए। हाँ। मतलब आप किसी के बारे में कुछ कहो और किसको कब बुरा लग जाए पता नहीं है। तो कॉमेडियंस को बहुत ही एक दायरे में रह के काम करना पड़ता है। हम किसी के मतलब राइट फ्रॉम बीइंग मतलब मैं इतने सालों से देख रहा हूँ ना ये कॉमेडी, तो इसमें पहले जोक्स चलते थे किसी के कद काठी पे कर दिया, लेकिन आगे जाकर ना ये अभी तो बॉडी शेमिंग, ये ऐसे बड़े बड़े नाम सुनकर ना डर लग जाता है। हाँ। 3 कॉमेडियंस में एक पे तो केस चल रहा होता है। ये हाल है कॉमेडी। तो हम बहुत ही सटीक तरीके से हमें वे आउट फाइंड आउट करके लोगों को हंसाना भी है, एट द सेम टाइम किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट है कॉमेडी का। और इन अ वे आप ये मैसेज दे रहे हैं कि खुल जाओ थोड़ा, सब लोग थोड़ा खुल जाओ, हंसा करो। हाँ, एटलीस्ट मैं जब करूँगा तब, मैं और सुगंधा जब करें। मिमिक्री ऐसा ना, मिमिक्री एक्चुअली इम्पर्सनेशन कुछ गलत बात नहीं होती, बट उनको लगता है मिमिक्री यानी आप ऑफेंड कर रहे हो, जिसकी करते हो वो सबसे पहले ऑफेंड हो जाता है। और कभी वो ना भी हो तो बाकी लोग ज्यादा ऑफेंड हो जाते हैं। वो कभी नहीं भी हो तो, जैसे मैंने दीदी का एक एक्ट किया था, आपके गाने से हम बिल्कुल ऑफेंड नहीं होते, आई डोंट थिंक कोई भी होता है। यस, बट जैसे आई एडमायर हमारी लता दीदी जो है नाइटिंगेल, तो उनका मैंने एक एक्ट किया था, सो वो उनको अच्छा लगा, बट बाकी पूरी इंडस्ट्री इतनी ऑफेंड हो गई एंड इतनी कंट्रोवर्सी हो गई, किससे कंपेयर कर लिया तुमने, हाँ हिम्मत कैसे हुई ये वो। हालांकि वो बहुत अच्छे टेस्ट में था और ऑलवेज आई एडमायर हर अ लॉट। वो क्या होता है ना कि जिसको आप इतना एडमायर करते हैं वो आपके अंदर बस जाता है, सो वैसा, सो ही इज़ राइट इन अ वे। संकेत, मुझे बताइए कि आजकल इतनी ज़्यादा कॉमेडी वीडियोस, यू नो, क्या कुछ वायरल जा रहा है थैंक्स टू OTT और हमारा सोशल मीडिया, तो डू यू थिंक मुश्किल है लोगों के लिए आजकल इंटेलिजेंट ह्यूमर ढूंढ पाना? एक्चुअली लोगों को मतलब कई एक वक्त ऐसा था कि ह्यूमर का क्या है यही पता नहीं था लोगों को, लेकिन आगे जाके लोग आजकल जज बन चुके हैं। हाँ, ये पंच अच्छा था, पंच वगैरह ऐसे जो वर्ड है ना, ये नॉर्मली लोग बोलते हैं। और ये लॉकडाउन जो हुआ था उसने सबको कॉमेडियंस बना दिया। अभी इंस्टाग्राम पे जिसका अकाउंट है ना वो रील्स बनाते हैं और उनके यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता, कॉमेडियन जरूर लिखा होता। तो कई बार ऐसा लगता है कि कॉन्टेंट क्रिएटर, तो वो एक ये चीज़ है। लेकिन एक बेस्ट पार्ट ये है कि सब लोग हैप्पी रहना और हैप्पीनेस फैलाना सीख चुके हैं, एंड इट इज़ ग्रेट टू सी पीपल डूइंग थिंग्स एंड पीपल एंटरटेनिंग पीपल। That's connecting people. Absolutely. Well, हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है इसलिए हम जल्दी से इसको ख़त्म करेंगे, लेकिन सुगंधा आपके गाने के बिना तो हो नहीं सकता। Yes, of course. कौन सा गाऊं?
ये किसी को भी आप गाने बोलोगे पहला क्वेश्चन ये आता है कौन सा गाऊं, कौन सा गाऊं, इतने सारे ऑप्शन है. अच्छा योर फेवरेट? मेरा, मेरे भी फेवरेट बहुत सारे हैं, मैं कैसे क्या रिक्वेस्ट करूं. आपका फेवरेट? मेरा तो लता दीदी सॉन्ग्स माय एवरग्रीन. ओके, तो उनका एक वेरी जी कनेक्ट के लिए ये सीजन पर यस 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 चिप बन गया तो अब जी कनेक्ट भी बन सकता है. यस, और दो घर में नहीं गाना. प्रिया भी डाल देना उसमें. प्रिया, ओके ओके. तो लता दीदी का थोड़ा सा वो गा दो, अजीब दास्ता गाऊं. ओके, अजीब दास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम, ये रोशनी के बाद क्यों धुआं उठा चिराग से, ये ख्वाब देखती हूँ मैं कि चक पड़ी हूँ ख्वाब से, अजीब दास्ता है ये. आपको यकीन नहीं होता, मेरी पीठ खोल के देखिए, अभी भी बांसुरी के निशान. Wonderful, it was so amazing talking to both of you. Thank you so much. आपका नाम प्रिया है. Thank you so much, प्रिया. Thank you so much, Z Connect. Thank you.